दोस्तों, सऊदी अरब में फर्स्ट बार मैं ऐसा रेसिपी पर ट्राई करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने वीडियो में तो बहुत सारा देखा यूट्यूब पर मैंने सोचा कि आज मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग को भी इसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज कुछ नया रेसिपी ट्राई करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ले आया हूँ, ये देखें, पालक है और यहाँ पे देखें, अपने मुताबिक मैंने आलू ले लिया है, आप भी ले सकते हैं जितना आपको खाना हो। और इधर ये रहा धनिया पत्ता, इसको भी डालेंगे दोस्तों। और ये मसाले हैं, मसाला आपको सब्ज़ी में खास करके डालने के लिए मसाला बहुत ज़रूरी होता है। ये दालचीनी है दोस्तों, और इसमें जीरा है, गोलकी है, और इसमें ये इलायची है दोस्तों, इसमें लौंग है, ये मैंने लहसुन का एक जो छोटा सा पीस होता है उसको मैंने डाला हुआ। और ये दोस्ती है, ये है क्या कहते हैं, दही है, और ये मैंने अपने प्याज सब्जी के मुताबिक ले लिया, ये थोड़ा सा मिर्चा मैंने काट लिया। इसका फुल रेसिपी मैं एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि कब कौन सा टाइम में कब मैं डालता हूँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। और दिखाता हूँ मैं, इसका रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहें। स्वाद के अनुसार आपने तेल दे दिया इतना तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं दूसरा डालता हूँ। ये थोड़ी सी जीरा डाल दें दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा दो तीन इलायची डाल दें इसमें दोस्तों, ये देखें, दो तीन इलायची इसमें डाल दें, तीन चार ये ऐसा लौंग डाल दें, एक पत्ता डाल दें दोस्तों, ऐसा वाला पत्ता एक डाल दें, ऐसे टुकड़ कर डाल दें। थोड़ी सी देर के बाद ये मिर्चा और प्याज डाल दें दोस्तों, और तब तक भूजें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखें दोस्तों, जब ऐसा प्याज ब्राउन हो जाए तो ये लहसुन का पेस्ट डाल दें, और तब तक इसको चलाएं पकाएं दोस्तों जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। ये देखें दोस्तों, लहसुन का जब आप महक ख़त्म हो जाए तो आप इसके बाद ये आलू डाल दें, और आलू थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भूज डालें, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या पड़ेगा दोस्त। आलू डालने के 5 मिनट बाद अब सारा मसाला इस तरह, जैसे मैंने मसाला को निकाल लिया है, ये मैं दिखाता हूँ दोस्तों क्या क्या मसाला है। ये है धनिया पाउडर है दोस्तों, और ये है, मैं मेहरान डालता हूँ, और ये थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी है दोस्तों, और ये गरम मसाला है, और ये मैंने जीरा का पाउडर थोड़ा सा डाला हुआ। इतना सारा आप मसाले को ऐसे डाल दें और पकाते रहें दोस्तों, थोड़ा सा 5 मिनट इसको पकाएँगे, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या डालूँगा। ये देखें दोस्तों, आलू को 5 मिनट या 10 मिनट डालने के बाद फिर ये थोड़ी सी दही डाल दें। अगर आप भी मेरे जैसा स्पाइसी खाने का शौकीन है तो दही थोड़ी सी डालें और घोल कर डालें दोस्तों। और दोस्तों, फाइनली मैं आखिर वीडियो में दिखाता हूँ कि आज का रेसिपी बनकर कैसा निकला, तो वीडियो पर बने रहें। और आखिरी में दोस्तों, ये मैंने पालक का पेस्ट जो बनाया था, पालक का जो ग्राइंडर किया था, उसको मैं आखिरी में डाल रहा हूँ, और फाइनली लुक मैं दिखाता हूँ कि कैसा बनकर आया दोस्तों आज का रेसिपी। फाइनली लुक देखें दोस्तों, ये मेरा बन के रेडी हो गया है रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना है दोस्तों। यही होता है, विदेश में अगर आप आते हो ना तो बनाने के लिए आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ख़ास करके हमारे विदेशी भाइयों ड्राइवरों के लिए मैंने ये आज का रेसिपी तैयार किया। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आज मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, अच्छा बना या ख़राब बना, ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। बस ये धनिया, बाकी धनिया को डाल देंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू पूरी वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच।